नमस्कार, अभिव्यक्ति के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेडियो समाचारों की बदलती हुई दुनिया की। एक ज़माना था जब रेडियो के समाचार हर घर में सुने जाते थे। भरोसेमंद समाचारों के लिए लोग BBC की तरफ रुख करते थे, लेकिन आज दौर बदल चुका है। हमारे इस एपिसोड में और क्या क्या है खास, पहले देख लेते हैं अपनी हेडलाइंस में। कैसे बदल गई रेडियो समाचारों की दुनिया? दुनिया के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले BBC ने आखिर क्यों बंद कर दी अपनी हिंदी सेवा? खबरों की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वक्त के साथ रेडियो भी बदला और पॉडकास्ट का जमाना आ गया। कहते हैं 30 सालों तक BBC के ब्यूरो चीफ रहे जाने माने पत्रकार और लेखक मार्क टली। BBC में लंबा वक्त बिताने वाले जाने माने पत्रकार सतीश जेकब का क्यों दुखता है दिल? कहते हैं रेडियो की दुनिया पर TV ने लगाया ग्रहण। और कला साहित्य संस्कृति की दुनिया में क्या कुछ हुआ खास, देखिए परिक्रमा में। तो सबसे पहले अपनी कवर स्टोरी में हम बात करते हैं रेडियो समाचारों की बदलती हुई दुनिया की। आखिर क्यों लोगों का भरोसा आकाशवाणी के समाचारों से उठ गया और क्यों BBC जैसी हिंदी सेवा को भी बंद करने की नौबत आ गई, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। ये आकाशवाणी समाचारों का वो दौर था जब हर सुबह लोग इसका इंतजार करते थे। तब रेडियो ट्रांजिस्टर हर घर में, गांव-गांव में, खेत खलिहानों में होता था और लोग इसके तमाम कार्यक्रमों के अलावा समाचारों को सुनकर देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होते थे। तब खबरों की दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी। 70 और 80 के दशक में BBC की हिंदी सर्विस के समाचार सुनने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते थे और खासकर इमरजेंसी के जमाने में BBC के आजाद और निष्पक्ष विश्लेषणों की खासी चर्चा होती थी। आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता घटती गई और लोग BBC की खबरों पर ज्यादा भरोसा करने लगे। एक वक्त आया कि आकाशवाणी को सरकारी प्रचार का तंत्र मान लिया गया और सरकारी नियंत्रण में काम करने वाला आकाशवाणी का समाचार प्रभाग सवालों के घेरे में आ गया। तब लोग विदेशी रेडियो की हिंदी सेवाओं की तरफ भागने लगे, चाहे वो BBC हो, जर्मन रेडियो हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो या चीनी रेडियो। उन्हें लगने लगा कि कम से कम ये स्टेशन अपने देश की सही खबरें देंगे। ये सिलसिला करीब 2 दशकों तक चला, लेकिन TV खबरों के शोर शराबे और बढ़ते असर ने रेडियो की दुनिया पर बुरा असर डाला। कुछ ही दिन पहले BBC रेडियो की हिंदी सेवा को भी बंद कर दिया गया। रेडियो पर हिंदी न्यूज़ सुनने वाले श्रोताओं के सामने बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं। BBC हिंदी रेडियो हुआ करता था जो आज़ाद तरीके से, सरकार से आज़ाद होकर के खबरें देता था, ऑब्जेक्टिव तरीके से खबरें देता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। तो मुझे जब मैंने सुना तो मेरे को यकीन नहीं आया कि BBC की हिंदी सर्विस बंद हो गई। फिर मैंने पता किया, उन्होंने कहा, उसकी जो वजह मुझे मालूम हुई वो ये हुई, तो जो बहुत से और ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी पॉलिटिक्स दूसरी जगह चल रही है जहाँ पर BBC को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जैसे मिडिल ईस्ट का उन्होंने जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा कर दिया, उसका बजट भी बहुत बड़ा हो गया, तो कहीं तो काटते, तो इन्होंने बहुत बचाया शुरू में, BBC को बहुत बचाया, लेकिन मजबूरन फिर BBC को बंद यूँ करना पड़ा कि वो जो पैसा BBC का जा रहा था वो उन्होंने अरबिक सर्विस में और रशियन सर्विस में और दूसरी जगह लगा दिया। दूसरी तरफ आकाशवाणी समाचारों के बदलते दौर को उससे जुड़े रहे तमाम वरिष्ठ पत्रकार कुछ इस तरह देखते हैं। आज ऐसा लगता है कि ना वो पहले वाला आकाशवाणी है, ना पहले वाला दूरदर्शन है। खबरों के स्तर में जिस तरह से गिरावट आई है वो चौंकाने वाली है।
किसी जमाने में देवकीनंदन पांडे प्राइम टाइम बुलेटिन पढ़ा करते थे, वही प्राइम टाइम बुलेटिन अब वो लोग पढ़ते हैं जिनका समाचार वाचन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही कैजुअल आए और समाचार पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं कि आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ उसी तरह की खबरें देता है या वही खबरें देता है जो सरकार चाहती है कि लोगों तक पहुंचे। रेडियो पर न्यूज को लेकर बहुत संवेदनशील ये सरकारें रही हैं, इसकी वजह वही जानते हैं। इधर स्मार्टफोन की लोकप्रियता ने समाचार संप्रेषण और समाचार उपभोग को जिस तरह बदला है, उससे जन्मी प्रतियोगिता ने पारंपरिक रेडियो को पूरी तरह हिला दिया है। उसके लिए अब जन संचार के नवीनतम साधनों के साथ समझौतों के साथ वजूद बनाए रखने की लाचारी है। इंटरनेट रेडियो के रूप में वो शायद अब भी जीवित रह सकता है। लेकिन क्या रेडियो समाचारों का भविष्य सचमुच खतरे में है? क्या अब दोबारा रेडियो समाचारों को लेकर वो ग्लैमर या वो इंतजार वापस आएगा? कम से कम बीबीसी के जाने माने पत्रकार मार्क चिली तो ऐसा ही मानते हैं। जब तक लोग ऐसे स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं जैसा लिसनिंग रादर देन सीइंग पसंद करते हैं, तब तक रेडियो का भविष्य ठीक होगा। जाहिर है तमाम खबरिया चैनलों और टीवी इंटरनेट के जमाने में रेडियो समाचारों को लेकर वो बात तो नहीं रहेगी, लेकिन बदलती तकनीक और प्रसारण के नए नए तरीकों के बीच अगर सचमुच खबरों को लेकर सरकार रेडियो के लिए कोई नया तंत्र विकसित करती है और प्राइवेट FM चैनलों को खबर सुनाने की इजाजत देती है, तो बेशक एक बार फिर रेडियो के दिन लौट सकते हैं। अब व्यक्ति डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और अब आपको मिलवाते हैं जाने माने पत्रकार और 30 वर्षों से ज्यादा दिल्ली में बीबीसी के लिए काम करने वाले मशहूर पत्रकार और लेखक सर विलियम मार्क टेली से। मार्क टेली इन दिनों बीमार चल रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ रेडियो की मौजूदा स्थिति पर बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। सुनिए मार्क टेली क्या कहते हैं। आज हमारे साथ हैं बीबीसी के मशहूर पत्रकार मार्क टेली। मार्क टेली से हम बात करते हैं आज के रेडियो के भविष्य के बारे में, खासतौर से बीबीसी के बारे में, आज क्या स्थिति है। मार्क टेली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो रेडियो की स्थिति है हिंदुस्तान में और बीबीसी में खासतौर से, उसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में क्या लगता है इसका भविष्य? वह मैं रेडियो के बारे में आने वाला वक्त बहुत कम बोल सकते हैं क्योंकि मैं रेडियो में नहीं हूँ आजकल, और मैं जैसा मॉडर्न मेथड जो है रेडियो का, मैं पुराना आदमी है, मेरा एक्सपीरियंस पुराना है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि रेडियो का भविष्य कैसा है। मैं एक बार बोल सकता हूँ लेकिन रेडियो का भविष्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया के वजह से, टेलीविज़न के वजह से रेडियो ख़त्म हो गया। ये गलत बात है, रेडियो हमेशा चलेगा क्योंकि लोग सुनने के लिए बहुत पसंद करते हैं। जैसे शायद आपको याद है, शायद जब आप बच्चा था, शायद आपके माँ आपको कहानी पढ़ते थे जब आप बच्चे थे। मेरे रेडियो के प्रेम जो है उन जमानों से भी है। मेरा याद है कि मेरे माँ ने अपने गोद में मुझे बैठा दिया और मुझे कहानी पढ़ाया। और इसके वजह ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि जब रेडियो है, आपके जैसा इमेजिनेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। जब टेलीविज़न आता है और दूसरे विजुअल मीडिया जो है, आपकी इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब का सब पसंद ने आप पेश किया था। इसलिए हम लोग जो रेडियो वाले हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं अंग्रेज़ी में, द पिक्चर्स आर बेटर देन
रेडियो, वहाँ क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि रेडियो पिक्चर्स आपने है, आपने इमेजिनेशन इस्तेमाल करता है। और जब तक लोग ऐसे स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं जैसा लिसनिंग रादर देन सीइंग पसंद करते हैं, तब तक रेडियो का भविष्य ठीक होगा। रेडियो में न्यूज़ का ख़ास तौर से, जिस तरह से आज रेडियो में न्यूज़ लोग कम सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में रेडियो न्यूज़ का जो भविष्य है, जिस तरह से एक निष्पक्ष यानी फ्री न्यूज़ देने का बीबीसी ने एक सिलसिला शुरू किया था, आज क्या वो जारी है किसी भी और रेडियो प्लेटफॉर्म पर? Well, भारत में सबसे शर्म की बात यह है कि भारत में रेडियो न्यूज़ के हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि सरकार बोलता है कि रेडियो स्टेशंस जो है करंट न्यूज़ पेश नहीं कर सकते हैं। और एक बार मैं नेपाल किया था, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस था रेडियो के बारे में, और साउथ एशियन रेडियो का हालत क्या है, और मैंने लोगों को कहा था कि शर्म की बात है कि साउथ एशिया में रेडियो सबसे ज़्यादा कंट्रोल्स, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भारत में है, और भारत एक डेमोक्रेसी है, वो कैसा हुआ कि ये रिस्ट्रिक्शंस है? और मैं अभी आपका सामने बोलता है कि शर्म की बात है कि रेडियो इस हालत में है इस देश में। लेकिन आजकल रेडियो ना सिर्फ रेडियो स्टेशंस करता है, लेकिन आप डिजिटली करता है, और आप जैसे पॉडकास्ट्स में भी जाता है। पॉडकास्ट्स रेडियो न्यूज़ के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अप टू डेट नहीं होता है, टाइम लैग होता है, लेकिन डिजिटली रेडियो बहुत आसान से कर सकते हैं। और आजकल मैं अभी बीबीसी ना सिर्फ वर्ल्ड सर्विस के सुनता है, बट ये जो लोकल रेडियो इंग्लैंड में भी सुन सकता हूँ। पुराने ज़मानों में सिर्फ वर्ल्ड सर्विस को सुन सकता था, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम्स वर ओनली ब्रॉडकास्ट फॉर ब्रिटेन, लेकिन आजकल में सब बीबीसी के आउटपुट सुन सकते हैं। आपने अयोध्या के समय भी रिपोर्टिंग की थी, और उस दौरान जब रिपोर्टिंग की रेडियो में, और आज अगर वैसी कोई स्थिति आती है रिपोर्टिंग करने की, तो कितनी आज़ादी होती है रिपोर्टर्स के सामने? Well, जैसे मैंने कहा था, आजकल तो बीबीसी के रिपोर्टर्स तो है, वो एक ही स्थिति है कि है वो आज़ादी है उनके लिए। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान भारत में इतना कम रेडियो ब्रॉडकास्ट रेडियो न्यूज़ है कि मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, उनके कुछ आज़ादी नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। और अब ये जो टेलीविज़न के आने के बाद, जैसे आपने बताया कि एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, तो क्या टेलीविज़न का जो न्यूज़ का क्वालिटी, कंटेंट की जो स्थिति है, वो लोगों को ज़्यादा अपील करती है, शायद ये वजह है इसके पीछे? मेरा ये ख्याल है कि यस, टीवी न्यूज़ को अपील तो ज़रूर है, लेकिन कुछ समय है जब लोग रेडियो को सुनते हैं, जैसा आप गाड़ी चलाता है, जैसा अगर आप रसोई किचन में काम करता है, शेविंग करता है, जो भी हो, जब आप कुछ काम का दूसरा काम करता है, तब आप रेडियो को सुनेंगे। और जैसे बहुत काफ़ी लोग है जो जब वो जगता है सुबह में, वो सबसे पहले क्या करता है, वो रेडियो ऑन करता है, और थोड़ा आराम से आधा सोता है, आधा जगता है,
और रेडियो को सुनता है. अलग समय अलग मीडिया लोग तो इस्तेमाल करता है. बहुत बहुत शुक्रिया मार्क आपको इतनी देर हमारे साथ बात करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना सबसे लंबा वक्त बीबीसी के साथ गुजारा. बीबीसी के लिए उन्होंने बेहतरीन रिपोर्टिंग की और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने ढेर सारे काम किए. इन तमाम उतार चढ़ावों को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया हमारे खास सेगमेंट बात मुलाकात में. बात मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार और लंबे समय तक बीबीसी में रह चुके सतीश जैकब साहब. सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. सतीश जी आपने इतना लंबा समय 50 साल का समय देखा है पत्रकारिता में. हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे शुरुआत में कि तब और अब में क्या क्या फ़र्क आया है पत्रकारिता की दुनिया में. बहुत बड़ा अंतर आया है. आपने कहा लंबे समय, मुझे 54 साल हो गए हैं. अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन 54 साल तक मैं जर्नलिस्ट रहा. तो मुझे एक शेर याद आता है फैज़ अहमद फैज़ का, उस बात पे वो ये था, ज़िंदगी भर मसरूफ़ रहे, कुछ काम किया कुछ इश्क किया. लेकिन हमारी ज़िंदगी में इश्क तो था नहीं, सिर्फ काम ही काम था. तो ये जो फ़र्क की आप बात कर रहे हैं, जो प्रश्न किया आपने, कितना फ़र्क आया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जब पत्रकार में हमने कदम रखा था उस वक्त टेलीविज़न नहीं था, उस वक्त सिर्फ समाचार पत्र थे और रेडियो था. और उस वक्त रेडियो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी उसका दबदबा था. मैं बड़ा किस्मत वाला था कि मुझे चांस मिला. जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा मुझे चांस मिला एज ए रिपोर्टर. 63 के बीच में या 64 के शुरू में एक नया अखबार शुरू हुआ जिसका नाम था पेट्रियट. हम पेट्रियट में चले गए. जैसे ही हम वहाँ गए तो नारायणन साहब ने हमारे को कहा कि देखो तुम जवान हो लेकिन मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है. तो उन्होंने हमको कहा तुम जो मर्ज़ी कवर करो. उन्हीं दिनों में 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया. तो मुझे एडिटर साहब ने बुलाया, कहने लगा तुम फ्रंट पे जाओगे. मैं कहा बिल्कुल जाएंगे. तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, हम यंग थे. आज की स्थिति जो है, जिस तरह से दबाव में पत्रकार काम करते हैं, उसमें और आज में आपको ये फ़र्क नज़र आता है क्या? बहुत. उस ज़माने में करप्शन बहुत कम थी. हमने तो एक्सपीरियंस ही नहीं करी. हमने कभी करप्शन मीडिया को लेके या सरकार को लेके करप्शन की चर्चा बहुत कम सुनने में आती थी. और उस वक्त के जो नेता थे सबकी छवियां बहुत क्लीन थी और उनके साथ उनके आदर्श बने हुए थे. आज जो कॉम्प्लिकेशन आज जो हैं उसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है. उससे छवि लोगों की बहुत ख़राब हुई है, काफ़ी गड़बड़ हो गए. और मैं तो इस बात का मुझे दुख है कि ये सिर्फ हमारे यहाँ ही देखा जा रहा है या आस पड़ोस के देशों में देखा जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे विदेशों में ऐसा नहीं है. तो मीडिया जो है वो आज की तारीख में क्या सिर्फ नेताओं के बयानों पे केंद्रित हो गई है या उसमें और भी ऐसा कोई एलिमेंट बाकी है जो आम लोगों के सरोकारों से जुड़ा हुआ है? देखिए जितनी तेज़ी के तीव्र गति के साथ हालात बदले हैं मीडिया के अंदर, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल हो गया है. 5 साल पहले या ये समझ लीजिए कि बीजेपी के सत्ता में आने से पहले जो छवि थी और मोदी जी के आने के बाद जो छवि छेवाने के बाद हुई है, हालांकि इसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है. कसूर ये है सिर्फ किसी का नहीं है, लेकिन उससे ये हुआ है कि मीडिया बहुत ऐसा लगता है कि काफ़ी दबाव में आ गया किसी वजह से. उसकी जो आज़ादी थी वो ऐसा लगता है कि वो आज़ाद नहीं रहे, कुछ टेंशन हो गई है. अब वो टेंशन को बयान करना इतना आसान नहीं है. तो इन सब प्रेशर्स की वजह से पत्रकारिता में अब लोग बहुत कम आ रहे हैं. जो अब लोग मैं जब बातचीत करता हूँ यंग लोगों से तो कहते हैं साहब पत्रकारिता ठीक है, हम एक्साइटेड थे इसके बारे में लेकिन अब हम कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं. जी. अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो मीडिया का सिनेरियो है ओवरऑल, उसमें कला संस्कृति के लिए,
आर्ट कल्चर या एक ह्यूमन स्टोरीज या ज़मीन से जुड़ी हुई स्टोरीज के लिए कितनी जगह रह गई है? बहुत कम जगह तो है। देखिए ह्यूमन स्टोरीज की तो हृदय में जगह बनती है अगर कोई मेहनत से अच्छी जेन्युइन स्टोरीज होती हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और देखते हैं। लेकिन क्या है कि वैसी स्टोरीज को करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, आपको उसमें जान लड़ानी होती है और एक जुआ खेलना होता है। कुछ दो चार गिनती के पत्रकार हैं जो ह्यूमन स्टोरीज बहुत कर रहे हैं और उन्होंने बहुत नाम कमाया है। ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, वो राह चलते नहीं मिल जाती, उसके लिए खोज करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे आप लंबे समय तक बीबीसी में रहे, आज की स्थिति में बीबीसी का रेडियो बंद हो गया, हिंदी सर्विस बंद हो गई, तो ऐसा क्या है कि बीबीसी में भी वो पहले वाली स्थिति अब कामकाज की नहीं रही और अब जो चीज़ें आई हैं ख़ासतौर से हिंदुस्तान के मीडिया के संदर्भ में देखें हिंदी में, तो ये बदलाव क्यों आया? क्या ये मुझे भी बहुत आश्चर्य है इस बात पे। देखिए मुझे बीबीसी से रिटायर हुए 20 साल हो गए, अब मेरा कोई ज़्यादा संपर्क नहीं है उनके साथ, अब मैं रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो मुझे जब मैंने सुना तो मेरे को यकीन नहीं आया कि बीबीसी की हिंदी सर्विस बंद हो गई, फिर मैंने पता किया उन्होंने कहा। लेकिन हुआ क्या है कि जो फोकस है न्यूज़ का उसमें बहुत बड़ा अंतर यह आ गया है कि अब हिंदी तो हमारे देश के लिए है ना, तो जो बहुत से और ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी पॉलिटिक्स दूसरी जगह चल रही है जहाँ पे बीबीसी को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जैसे मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट का उन्होंने जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा कर दिया, उसका बजट भी बहुत बड़ा हो गया, तो कहीं तो काटते, तो ये बड़े दुख की बात है। मेरे तो ऐसा ना, मेरे दिल का एक टुकड़ा सा चला गया। रेडियो का जो भविष्य आज नज़र आ रहा है, रेडियो समाचारों का ख़ास तौर से, FM चैनल तो बहुत सारे आ गए, तो हिंदी में या अंग्रेज़ी में भी रेडियो का क्या भविष्य नज़र आता है? ये सवाल आपने जो किया है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी वजह यह है कि मैं और मेरे साथी, मेरे सीनियर साथी मार्क टली हमेशा बात करते थे और हमेशा हम लोगों को ये कहा करते थे कि टेलीविज़न कितना ही बढ़ जाए ये रेडियो का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि रेडियो क्विक होता है, खड़े खड़े आप न्यूज़ कहीं से भी दे सकते हैं और वो लोगों को गाँव में पहुँचा दे, उसके लिए आपको बहुत बड़ी टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं है, गरीबों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, रेडियो छोटा रेडियो ही काफ़ी है। किसी ज़माने में ट्रांजिस्टर हुआ करता था, अब ट्रांजिस्टर का कोई जिक्र नहीं करता। तो रेडियो तो बहुत ऐसी चीज़ थी कि जिसको हम समझते थे कि ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने सामने अब ये नज़र आ रहा है कि टेलीविज़न का इतना असर हो गया कि गाँव में भी लोग टेलीविज़न सुनते हैं, रेडियो सुनना बंद ही हो गया, आपको कहीं ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा। तो ये सब देख के हमें पता लगता है लोगों ने ट्रांजिस्टर खरीदना ही बंद कर दिया, रेडियो सुनना ही बंद कर दिया, तो रेडियो तो अब उसका तो पीरियड ख़त्म हो गया, बड़े दुख की बात है। तो इंटरनेट का असर है ना, ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो बड़ी है ये सब उसका असर है। उसका जो सबसे बड़ा जो कैजुअलिटी हुई है वो हमारे रेडियो की हुई है, वरना रेडियो पे हमारे ड्रामे आते थे, गाने आते थे, समाचार आते थे, टिप्पणियाँ होती थी, सब कुछ होता था, वो सब बंद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका, आपने बहुत कुछ शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू। और अब आपको ले चलते हैं अलग अलग शहरों में और दिखाते हैं वहां हुई साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियां अपने खास सेगमेंट परिक्रमा में। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक थिएटर योजना के तहत रंगायन में लास्ट पैराडाइज नाटक का मंचन किया गया। अरुस्वाति व्यास निर्देशित यह नाटक अभिनय गुरुकुल टीम की स्क्रिप्ट पर आधारित है। नाटक के माध्यम से मंच पर कश्मीरी पंडितों के दर्द को जीवंत किया गया। इसमें 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए घटनाक्रम को दर्शाया गया। जयपुर में 3 दिवसीय वर्ल्ड क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। जयपुर JJ & Blues के पहले संस्करण में 5 देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया।
यूनेस्को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से सेहर संस्था की ओर से इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जयपुर के सेंट्रल पार्क में हुए इस फेस्टिवल में 3 दिन तक विभिन्न कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। दिल्ली के कमानी सभागार में कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज के पिता पंडित आच्छन महाराज की याद में आयोजित सबरंग कार्यक्रम में नृत्य और संगीत के बेहतरीन रंग देखने को मिले। कथक की प्रस्तुतियों में पंडित शुभ महाराज के शिष्य सौरभ और गौरव मिश्रा, उस्ताद अकरम खान, पंडित दीपक महाराज और रागिनी महाराज जैसे कलाकारों ने समा बांध दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित तमाम कार्यक्रमों में भरतनाट्यम गुरु शर्मिष्ठा और उनके शिष्यों ने बेहतरीन नृत्य प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान ओडिशी नृत्य भी पेश किया गया और बॉलीवुड नाम का एक नुक्कड़ नाटक भी। 5 दिनों तक चले इस समारोह में कल आज और कल के नाम से एक कला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ और कुछ और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।